भैया और राम राम हमें बुंदेली चुगली के स्पेशल और रोज के बुलेटिन से पहली बार आज स्टूडियो से नीरज। हम पहली खबर और सबसे बड़ी खबर ये हफ्ता की और सबसे बड़ी घटना भाई ऊपर पे केंद्रित कर रहे खास से आम जनता की सुरक्षा से जुड़ी खबर है। और पहली खबर ये बात के लेके कि पिछले दिन ला कैपिटल होटल में एक बढ़िया लड़का 10 लाख को थैला भरो ले गो। हम बात करें छतरपुर के हैं श्रीनगर वाले बबलू सोनी, इनकी बिटिया को ब्याह सागर तय भाव तो लड़का के संगे ने पक्या तो एंगेजमेंट की लाने ला कैपिटल होटल के बुक करो तू। और ओते पे एंगेजमेंट होबे के बाद लड़का बिटिया संगे फोटो हो रही थी और लड़का के बाप के पास वो थैला तो जी में 8.5 लाख कैश आते वो कचु सोनो वोनो गानो गुदिया जो तो ऐसे 10 लाख को पूरा मालू बैग में आतो सफ़ेद रंग को बैग आतो। जैसे ही फोटो खिंचा भी गए और उन्हें बैग बगल में रख दो वैसे ही एक बढ़िया लड़का आओ और वो उठा ले गो। पहले एक कार्यक्रम चला तो हम जो बता दें एक लड़का है 12-15 से 16 साल के बीच का लड़का है और जब बैठ रहे होते मेहमान के बीच में लाल सी सेट पहने तो बस्केट पहने तो हम अपने वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि जो कैसो लड़का उठो और उठ के पहले कैसो जब भागो और इनके पीछे लड़का को चाचा भी भागो तो लेकिन वे देखते नहीं रह गए तब तक इन्हें दौड़ लगा दी और जब पूरी घटना हो गई। हम जो बता रहे हैं कौन बाप अपनी बिटिया को ब्याह करवे के लाने बड़ी मुश्किल से सालन से पूंजी इकट्ठी कर कर्जा ले और उसके बाद रिश्ता तय कर पा और ने एक नौ रिश्ता जुड़ो अपनी बिटिया के लाने बबलू सोनी ने लेकिन उनके संगे जो अनहोनी हो गई उसे पूरा समाज और हर आदमी द्रवित है कि एक बिटिया के बाप के ऊपर जो कलंक लगने तो उसको लग गो। और ये पूरे मामला के लिए कि शासन प्रशासन ने मैं भी शिकायत वही है ये पूरे मामला की जांच खुद अपने हाथ में एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने ली है और उनने वो पूछताछ भी कर रहे हैं वे पूरी परत दर परत उस चीज़ के खंगालने को प्रयास कर रहे हैं। हम जो बता रहे सोनी समाज के कछुआ दिन ने आज फिर से एक बार एडिशनल एसपी के पास जाके अपना आवेदन दाओ उनसे बातचीत करी है और जो वीडियो में जैसा दिखाओ जा रहा हो कि कैसा वो लड़का बैग लेके और तुरंत इन्हें दौड़ लगाई और जो भग गए जो उनकी शादी की खुशी हती जो मातम में ऐसी बदल गई दुख में बदल गई वो थल पुथल मच गई। और जब पहली घटना नहीं है ला कैपिटल होटल में ही कि पहले भी एक घटना हो गई। हमारे कहते हैं कि पत्रकार है श्याम खरे संपादक सुबह अखबार के उनके भतीजों को भी ब्याह हो रहा तो सो जेवरातन को भरो थैला कौन लड़का ऐसी छोटी उम्र को ले जा रहा तो और लेके वो भग रहा तो कि एक भाई ने देख लो पकड़ लो सो छूट का बाद में लड़का पकड़ के हुए जेल एल तो भेजो बाल कल्याण सुधार गृह में भेजोगा हुए। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि सुरक्षा से जुड़ो मामला है इसे ही खबर भी हमने सबसे पहले उठा है और हमारे हाथ में की सुरक्षा है। हम कह रहे हैं कोई भी अनजान व्यक्ति के हाथ में सामान ना दो अपरिचित कौन भी ऐसा शादी ब्याह में अगर देख रहा हो मेरे जौलन में तो हम सबसे पहले वो देखें और उसे दूर रहा अपना सामान बिल्कुल ना छोड़ा के कहूँ कुर्सी में धर दो या को के भरोसे धर दो कैसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा हम खुद कर सकत। सो जो बुंदेली चुगली आगाह कर रही हम बढ़ रहे अगली खबर पे और अगली खबर है हमारी छतरपुर में एक अनोखा प्रयोग भाव है ई बात के लेके। छतरपुर के युवा आर्टिस्ट हैं दिनेश महाराज दिनेश शर्मा कहते हैं और दिनेश महाराज ने अपनी अद्भुत कलाकारी से इस देश दुनिया में एक नई पहचान बना ली और जे अनोखे प्रयोग करत रहा नए तरीके से इन्हें केवल परंपरागत मूर्तिकारी या परंपरागत चित्रकला नहीं रखी जे अपने काम में नव नए प्रयोग करत रहा तो इमेज सफल हो रहे हैं। इनने माटियन से सुतरियन से और प्यार से बांध के बना वो मूर्ति शुरू करी थी फिर जो सीमेंट तक पहुंचे और फिर फाइबर तक आ गए अब जो मार्बल की डस्ट से भी मूर्ति बनाने लगे। छतरपुर में देश में पहली बार मार्बल की डस्ट से मूर्ति बनाई गई और वह मूर्ति बनाई गई श्री संत हैं राम हर्षण दास महाराज उनकी बनाई गई। उनकी पहले भी इनने एक मूर्ति बनाई थी सेरेमिक पाउडर से बनाई थी लेकिन उनके साकेत धाम जावे के बाद पहली बार उनकी मूर्ति बनी है और अयोध्या के मैथिल सख धाम है पीठ है उत्तर पर जाए स्थापित होने हैं। और जब मार्बल डस्ट से बनी मूर्ति इतनी मजबूत है कि हथौड़ा भी मारे जाए तो नहीं टूटा। जब मूर्ति देख के लगा तो साक्षात इनके हाथन को ऐसे जादू है कि जीवंत जागृत हो चुके अगर दूर से देखो तो महाराज ऐसे लगा कि साक्षात बैठे हों। ऐसे कलाकार के बुंदेली चुगली को सलाम है और इनकी जो कलाकारी है इस समय समय पर हम दिखाते रहें सो हमसे जुड़े रही हो ऐसे ही।
हम तीसरी खबर की तरफ अब रुख कर रहे हैं। और तीसरी खबर है आज कछु छात्र छात्राएं ने रक्तदान करो है। HDFC बैंक है उनको सामाजिक सरोकार को एक कार्यक्रम होता है उसके तहत उनने महाराज कॉलेज के छात्र से संपर्क करो तो कॉमर्स विभाग के जो छात्र छात्राएं आते इनने अपने जो इनके प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सुमति प्रकाश जैन इनके संग जाके अपना रक्त परीक्षण कराओ ब्लड डोनेशन करो रक्तदान करवे के लाने जो सब जन जागरूक होते उत्साहित भी होते और इन्हें बताओ गो तो कि रक्तदान करो जीवन के लाने बहुत महत्वपूर्ण हो सकता हम पहले भी कह चुके कि रक्तदान जीवन के लाने बहुत महत्वपूर्ण होता भैया करो चाहिए हर आदमी के करो चाहिए हो सकत को कि जिंदगी तुम्हारे खून की कछु बूंदन से बच जाए तो यह एक बहुत जागरूकता वाली चीज़ है ये हमेशा जीवन में हमें जब भी मौका मिले हमें रक्तदान से पीछे ना हटो चाहिए इसे जो अब हमारे यहाँ पे अब आप लोग सुनते होंगे कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है कहीं कोई घटना हो रही दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिनका ब्लड कम है उन्हें ज़रूरतमंदों को हम लोग ब्लड देने के लिए यहाँ ब्लड बैंक आए हुए हैं। गलत है कि खून देने से उनका कमजोरी आती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है खून देने से अपना खून का संचार बढ़ता है उसमें नया खून आता है इसमें बहुत अच्छा लगता है खून देना हम तो ये आप सबसे कहेंगे आप सब लोग खून दो। आज हमें बहुत नौनू लगो जब ये HDFC वाले आए बैंक वाले आए और इन्हें हमारे प्राचार्य डॉक्टर LL कोरी साहब से अनुमति ले ली कि हमें मानवता की सेवा के लाने बच्चन को खून देवे को कैंप लगा रहे हम तो हमारे प्राचार्य जी तो इसमें आगे हैं उन्हें तुरंत हौके दई जब उन्हें हौके दई से उन्हें हमारे HOD साहब DP शोला साहब से कही कि जे ब्लड कैंप कॉमर्स में लगेगा कैसे कॉमर्स के मोड़ा मोड़ी इन कामों में सबसे आगे रहा पढ़वे में और मानवता के और समाज सेवा के काम में सो जैसे ही 10 मिनट में हम लोगों ने अपील करी कि ऐसो कैंप लग रहा हो सो 1, 2, 3, 4 फट तो लाइन लगी मोड़ा मोड़ी इनकी जितने आगे मोड़ा आते उतने आगे मोड़ियाँ थी। चलो बोझो बहुत अच्छो बताओ सर ने अब जो बैंक के सहयोग से जो कैंप लगो है वो बैंक के प्रतिनिधि मौजूद हैं तो भी इसके बारे में बताए हैं। हमारा नाम राम कुमार सोनी है हम भी क्षेत्र बुंदेलखंड के निवासी हैं हम ये बताओ चाहते हैं कि HDFC बैंक जो है आप लोगों को जागरूक बनाओ चाहते हैं ये वाले में कि ब्लड देने से खून देने से रक्तदान से जीवन दान मिलते हैं और कोई नुकसान है ही नहीं है बिल्कुल। आपका नाम क्या है बिन्नू? हमारा नाम आस्था अग्रवाल है। अच्छा आपने तक खून दाओ अभी? हाँ अभी दे के आए। कैसे लग रहा बताओ? बहुत अच्छा लग रहा खून देने के बाद मतलब किसी को हमारे खून से किसी और को प्रॉफिट हो ये बहुत अच्छा लगा इसके बाद रिलैक्सेशन मिल रहा है उसके बाद देने ब्लड देने के बाद। अच्छा पहली बार दोगे कि पहले भी दे चुके एक बार? इसके नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम था। सो भाई यारो आपने सुनो कि रक्तदान कितनों जरूरी है इसे हमें का फ़ायदा है सो इसे बुंदली चुगली की जो सबसे अपील है कि रक्तदान करो और खुद स्वस्थ बनाओ दूसरा जीवन दो सो हमें बुंदली चुगली से शिवम संजू के संग है। हम अगली खबर की तरफ रुख कर रहे भैया अगली खबर है भागवत कथा की। हम तो कहा बुंदेलखंड के बुंदेली चलाना है सो हमारे समाज को घर को परिवार को जा जैसे जी के कार्यक्रम होते रहे हम उनकी खबर दिखाते रहे सो आज कड़ा की वरिया में भागवत कथा बैठ गई 7 दिन की जो भागवत कथा है 11 दिसंबर तक चलने भैया और पंडित राजेश महाराज हैं जो कथा कर रहे हैं रोज 3 से 6 बजे तक को सोझे सो होते ना वैसे इन्हें 3 से 6 बजे तक अलग अलग प्रसंग पर जो भागवत कथा सुना है संगीतमय तरीके से जो भागवत कथा बहुत अच्छी कर ले और हमें सबसे अच्छी बात जो है कि जो सौभाग्य पूरे मोहल्ला नगर सेठ नगर के और शहर के लोगों का जो मिलो है वो मिलो है जो नारायण दास सोनी है और बबलू सोनी उनके बेटा है दो जन ने जो आयोजन करो आज पूरी लगाई है निगरी कड़ा की बरिया से उन्हें कलश यात्रा निकाली इन्होंने और कलश यात्रा निकाल के आज इनकी बैठकी हो गई भागवत महापुराण की। सो जय भैया आज की खबरें आती और ऐसे ही समाज से जुड़ी हर खबर से हम आपके जोड़े रहे हैं और रोज के बुलेटिन में हम एक सही समय पर लेके आए हैं सो हमारे संग बने रहे भैया हम बुंदेलचुगली स्टूडियो से सोनू संजू शिवम के संग नीरज राम राम।